नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर एसजी विनय कुमार सक्सेना पर जोरदार हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि एलजी ने मार्शलों की योजना को रोक दिया है और अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को धमका रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 4 साल से यह स्कीम सही तरीके से चल रही थी। मार्शलों की वजह से ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें मार्शलों ने बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोका। ये योजना अच्छी खासी चल रही थी, अचानक इसको 1 नवंबर 2023 से बंद कर दिया गया। उन्होंने एलजी और केंद्र सरकार पर इस दौरान दिल्ली सरकार के कामों को रोकने का आरोप लगाया है। ...2015 से 2022 तक ये तीनों डिपार्टमेंट शांतिपूर्वक हर साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिखता था, हमें इतने बस मार्शल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती करता था, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी पेमेंट करता था, कोई दिक्कत नहीं। 2023 के शुरू से अचानक तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपना रुख, अफसर वही थे, अफसर नहीं बदले, कई कई वहाँ जो अफसर हैं वो तो तीन चार साल से मौजूद थे। अचानक उन्हीं अफसरों ने अपना लिखना बदलना चालू कर दिया, फाइल पे लिखना चालू कर दिया सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का ये काम नहीं है। 7 साल 8 साल तक था काम, अचानक उन तीनों ने, इन्होंने रेवेन्यू वालों ने भी, फाइनेंस वालों ने भी, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तो अगस्त तक लिखता रहा कि भाई मेरे को बस मार्शल दो, मेरे को बस मार्शल दो, इनकी पेमेंट करो, पुरानी पेमेंट करो, कई दिनों से तनख्वाह नहीं दे रखे। अगस्त में अचानक उस कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने, जो कि 3-4 साल से था ये कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, आशीष कुंद्रा 3-4 साल से कमिश्नर था, हर साल वो रिक्विजिशन करता आ रहा है, अचानक अगस्त 2023 में क्या हो गया? एलजी साहब ने उनको, हमने पूछा अफसरों से क्या हो गया, एलजी साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तो तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, सीबीआई छोड़ दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। ये इसके पीछे की कहानी है। अफसर रो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अफसर 4 साल से रिक्विजिशन कर रहा था अचानक उसका एक दिन सपना आया और उसे सपने में सिविल डिफेंस वॉलंटियर एक्ट दिखाई दिया और एक्ट में वो धारा दिखाई दी कि ये काम नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी है, बेवकूफ बना रहे हो हमको, पूरी दुनिया बेवकूफ है, सारे देश के लोग बेवकूफ है, तुम ही से आने हो। उनको बुला बुला के धमकाया गया, ये स्कीम बंद करवाई गई। क्यों? क्योंकि ये स्कीम महिलाओं के अंदर बहुत पॉपुलर थी। दिल्ली के बस में ट्रेवल करने वाले लोगों को ये, जैसे अभी कैलाश गहलोत ने, इन्होंने बताया कि उनको ये लगता था कि हमारा अपना आदमी वर्दी में बैठा है, ये हमारी सुरक्षा करेगा, और इस तरह से ये स्कीम बंद करवाई गई। अलवर में केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आया है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों को मुस्लिमों से दोस्ती करने और धर्म परिवर्तन करके निकाह करने का दबाव बना रही थी। परेशान युवतियां पुलिस थाने में पहुंची और मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। 2 दिनों तक अलवर पुलिस ने मामले को दबाए रखा और पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को नहीं दी। परेशान युवतियों ने मीडिया से संपर्क किया। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत इस संबंध में संबंधित थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई। वहीं आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ करने सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। मकान में रहने वाले अन्य लड़कियां जो हिंदू भी है, मुंबई में दो लड़कियों ने एक मुंबई लड़के से दोस्ती करने के लिए उस पर दबाव डाला। उसके द्वारा मना करने पर उसका लगातार पीछा किया गया, उन्होंने तंग आके मकान चेंज कर लिया, दूसरे मकान पर भी आके उसके साथ झगड़ा वगैरह किया और उनको बार बार परेशान किया दोस्ती करने का नाम पर। प्रलोभन भी दिया गया कि दोस्ती करने पर आपको ये दिला देंगे, वो दिलवा देंगे। इस तरह का मामला सामने आया जिससे प्रकरण दर्ज हुआ है और पीड़ितों के बयान लिए गए, बाकी कार्रवाई जाए। तारीख को दो लड़कियां जो है थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल और बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है,
कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम, ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवार पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम हैं, इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया। आज इस पर प्रकरण संख्या 197/24 धारा 354D, 384, 153 और SC/ST एक्ट में थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान CO City नारायण सिंह जी को दिया गया। और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो दोनों बालिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग की, उनके बयान लिए गए और जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इनसे और अनुसंधान किया जाएगा और यदि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो कठोरता से कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी। रावत भाटा की ग्राम पंचायत जालखेड़ा में एक दिव्यांग ने स्कूल ग्राउंड पर हो रहे अवैध अतिक्रमण का विरोध किया तो चार दबंगों ने उस पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया और मारपीट भी की, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और आरोपियों पर इस दौरान सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मैंने स्कूल का ग्राउंड में पत्थर पड़े थे तो मैं पूरा गांव का मलके स्कूल में वालों को बोला, बोलने के बाद में फिर स्कूल वालों ने उनको फ़ोन किया यार पत्थर उठा लेना, तो उन्होंने मेरे को मोहरा बना के मेरे से लड़ने आए धार धार हथियार लेके छः जने आए। कौन से गांव से आए थे? वे लाटपुरा से आए हैं। फिर लाटपुरा आने पर गाँव वालों ने बचाव करके उनको समझा उनको भगाए, फिर मैंने 112 पे कॉल किया, गाड़ी आई थी तो पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस की गाड़ी आने के बाद में उनको बोल के गई पुलिस कि भाई उसको कुछ मुझ करना हो, मैं इकलांग हूँ 60% में लड़ने सकता हूँ, मैं क्षमता रखता हूँ लड़ने की। फिर उन खाना खा के घर आ रहता हूँ मैं 6 बजे अलसखड़ा माता जी से, तो उनकी महिला अड्डे फिर के वहाँ मैं बीच बचाव करके बाग के जैसे से निकला वहाँ से। और फिर मैंने 15 तारीख को आके थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। कोई पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और मेरे परिवार और मेरे साथ कोई घटना होगी उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेंगे। धौलपुर जिले में निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, लैब, ब्लड बैंक संचालन के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में जिले में संचालित सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, लैब, ब्लड बैंक को 7 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीना ने बताया कि जिले में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित अस्पताल, लैब, नर्सिंग होम, डेंटल क्लिनिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद सेंटर संचालकों को आगामी 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके हमारे कई लोगों के तो ना रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के, लैबों के, लेकिन कहीं के है ना मेरे संज्ञान में आया कि भाई इन्हें नहीं है, तो इसलिए हमने है ना क्योंकि इनके कोई अते पते तो रहते नहीं है, तो मैंने पेपर में ही मीडिया दिला दिया, प्रेस में वार्ता के अनुसार, और 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन में जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो इसमें हमारे पास में सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन अगर कोई कराता है और कोई नॉर्म्स के अनुसार काम नहीं पाए जाते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का पावर है। आगे की जो कार्रवाई होती है प्रशासन के द्वारा ही होती है। कलर साहब इसके अध्यक्ष हैं, कलर साहब की अध्यक्षता में हमने एक फाइल चला रखी है और कलर साहब को बोल भी दिया है, तो हम 2-4 दिन में इसमें SP, कलेक्टर और DI, CO इसमें है ना कमेटी। वैर में भुसावर में नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। विकास कार्यों के नाम पर पैसा पानी की तरह बर्बाद हो रहा। नगर पालिका भुसावर के वार्ड पार्षद चिरमोली राम जाटव ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा कस्बे में सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के चेयरमैन और कुछ वार्ड पार्षदों की सहमति से तालाब के किनारे एक पार्क का कार्य 50 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। उसमें नरेगा के 50 मजदूरों को लगाकर काम कराया जा रहा है और इसका भुगतान ठेकेदार ले रहे हैं।
इधर खेडली कस्बे वासियों को झूलते बिजली के तार और क्षतिग्रस्त पोल से निजात मिल गई है। दरअसल विद्युत विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। विद्युत विभाग की टीम के द्वारा क्षतिग्रस्त पोल और झूलते तारों को ठीक किया जा रहा है। बता दें कि नगर पालिका में हुई बैठक के दौरान ये मुद्दा उठाया गया था। चेयरमैन और विधायक ने ठीक करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल लोगों में झूलते तार और क्षतिग्रस्त पोल से हादसा होने का डर बना रहता था। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया सहित अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। झूलते तारों की संभावना लोगों से बहुत पहले से आ रही थी मेरे पास। मैंने भी कई बार विद्युत विभाग के अधिकारी को इसकी सूचना कर दी। विद्युत विभाग के अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी ज़्यादातर हमारी सरकार आने पर विद्युत विभाग की चर्चा एक्टिव हुए हैं और जो विद्युत जो खराब पोल है, एक चपार चौक में पोल खराब था, उसी कई वर्षों से सिखा जा रही थी, उसमें करंट आता था। इसे आज हमने मुहिम चलाकर सभी विद्युत पोलों को सही कराने के लिए लोगों ने खबर टोंक से है, जहां ग्राम पंचायत पलई की लापरवाही के चलते सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा महज खानापूर्ति बनकर रह गई है। सामाजिक अंकेक्षण टीम ने 6 महीनों में किए गए नरेगा कार्यों का भौतिक सत्यापन किया और ग्राम सभा में रिपोर्ट भी पेश कर दी है। मजेदार बात यह रही कि पिछले 6 महीने का मनरेगा कार्यों को गिने चुने लोगों के बीच पेश किया गया है। दूसरी ओर ग्राम विकास अधिकारी राकेश बैरवा का कहना है कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया था, लेकिन जो वीडियो सामने आया है जिसमें हालात ऐसे नजर आए हैं कि कोरम तक पूरा ही नहीं हुआ है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शिक्षा के दान महोत्सव को लेकर रावतसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों की ओर से दिए गए कक्षा कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस दौरान भामाशाहों माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर राजकीय विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राउसर में मुख्यमंत्री जन सहभागी योजना के तहत 6 कक्षों का जो कार्य पूर्ण हो गया था, उनका लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 6 कक्ष एक बिश्नोई समाज से द्वारा राउसर द्वारा, दूसरा श्री कुम्हार समाज राउसर द्वारा, तीसरा रतनलाल जी सोमानी और पवन जी सोमानी के द्वारा परिवार के द्वारा, चतुर्थ कक्ष वो है सुरेंद्र जी सोमानी और सूरज जी सोमानी के परिवार के द्वारा, पंचम कक्ष श्री दिनेश जी सोमानी और राजेश जी सोमानी के परिवार के द्वारा, और 6ठा कक्ष है वो श्री हनुमान जी सुथार और मनोज जी सुथार के परिवार के द्वारा दिया गया था, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आज उनका उनके परिजनों द्वारा और भामाशाह समाज, कुम्हार समाज और श्री बिश्नोई समाज के द्वारा। खबर लखनऊ से है, जहां समिट बिल्डिंग के माईबार में अधिवक्ताओं से मारपीट करने वाले दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस आयुक्त SB शिरडकर आदेश पर विभूति खंड पुलिस ने थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। दरअसल 25 फरवरी को कुछ वकील माईबार समिट बिल्डिंग में खाना खाने गए थे। आरोप है कि तभी विभूति खंड थाने में तैनात दरोगा के साथ दर्जन भर अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और बार का गेट बंद कर उनकी पिटाई करने लगे। पुलिसकर्मी उन्हें पीटते हुए थाने ले गए और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया, जिसके खिलाफ वकीलों ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया और 2 दिनों तक कार्य बहिष्कार भी किया है। ये कुछ अधिवक्ता समिट रेस्टोरेंट में गए थे, बैठे अपना नाश्ता पानी कर रहे थे, वहाँ कुछ पुलिसकर्मी पहुँचे, कुछ दूसरे गुट से उनका विवाद हुआ था, लेकिन उस गुट को न ढूंढ करके ये लोग गए और वहाँ पे हाल बंद करके लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगे। कुछ अधिवक्ता वहाँ बैठे थे, उन्होंने विरोध किया कि भाई इस तरह से आप सार्वजनिक तौर पर लोगों को अपमानित नहीं कर सकते हैं। इसमें उन लोगों ने उन अधिवक्ताओं को मारना शुरू कर दिया और जब इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया तो उसके बाद सिटनी बंद करके कमरे में बंद करके इन्होंने लाठी चार्ज किया और बुरी तरह से मारा, जिससे किसी की नाक टूटी है, किसी का सर फटा है, किसी की अंदरूनी चोटें आई हैं, 2-3 अधिवक्ताओं का हाथ टूट गया है। ये परिस्थितियाँ हैं।
इधर अलवर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आज अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन की युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक ने बताया कि आजादी के 75 साल के बाद भी किसान मजदूरों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान कर्जे में पैदा हुआ है और कर्जे में ही जीवन यापन करता है और कर्ज में ही मर जाता है, लेकिन सरकार किसानों के लिए कुछ भी नहीं करती है। उन्होंने सरकार से फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी और किसान आयोग का गठन करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ये पूरा मामला ये है कि जो आज किसान अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन कर रहा है, तो हमने ये ज्ञापन हमारे भारतीय किसान ने लोक शक्ति के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी के निर्देश पर दिया है। और ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को समर्थन करने के लिए और जो किसानों की इसके अलावा में भी जो मांगे उनको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। ये पूरा मामला ये है कि जो आज किसान आज ये अब किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसान समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। जो MSP पे चल रहा है वो गारंटी पूरी होनी चाहिए। एक हमारी मांग है जो किसानों की फसल जानवर नष्ट कर देते हैं पशु, उस हिसाब से ASF का गठन होना चाहिए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स। और मेनली हमारी मांग MSP पे है कि इसका मतलब स्वागत सरकार को करना चाहिए, जो उन्होंने किया था वो पूरी होनी चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सिपाही से हवलदार रैंक की पूर्व सैनिकों की दो बेटियों के विवाह के लिए 25,000 रुपए दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने संवेदनशील होकर सैनिक कल्याण से जुड़े कार्यों पर प्रभावी कार्य किए जाने का आह्वान किया। कलराज मिश्र ने इस दौरान कहा कि राज्य में जिला और तहसील स्तर पर वार मेमोरियल की स्थापना की जाए। उन्होंने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने और उन्हें इस तरह से काम किए जाने की आवश्यकता जताने जिससे लोगों में राष्ट्रभक्ति के भावों का संचार हो सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।